हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो डे टू डे रूटीन में वर्ड यूज होता है वो है देयर। देयर का मतलब तो होता है वहाँ, सबको पता है, लेकिन कई बार हम अपनी डेली रूटीन में इस वर्ड को यूज़ करना भूल जाते हैं और ये हमारी एक ग्रामेटिकल एरर में भी इंक्लूड हो जाता है। तो अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको बेसिक से इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप बेसिक से नॉलेज रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है फ्लो में बोलना। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। कुछ सेंटेंसेस जो कि देयर से रिलेटेड है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम सेंटेंस लेते हैं, मेरे कमरे में 4 कुर्सियां हैं। देयर आर 4 चेयर्स इन माई रूम। मेरे कमरे में एक कंप्यूटर है। देयर इज अ कंप्यूटर इन माई रूम। तुम्हारी बोतल में कितना पानी है। हाउ मच वाटर is there in your bottle? हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि how much water is in your bottle, नहीं, हमने बोलना है how much water is there in your bottle? आपकी गाड़ी में कितना पेट्रोल है। How much petrol is there in your car? आपकी बहन दिल्ली में है। Your sister is there in Delhi. तो इस तरह से हम कई बार जब फ्लो में बोलते हैं तो देयर का यूज करना भूल जाते हैं। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें हमने देयर का यूज करना है। और भी कई ऐसे सेंटेंस हैं जो हम बोलने के टाइम देयर को भूल जाते हैं कि वहां पे हमने देयर का यूज करना है। तो चलिए और जानते हैं किस तरह से हम देयर का यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे सेंटेंसेस में। क्या कोई है, जब हमें कुछ ऐसे लगता है कि वहाँ पे शायद कोई हो सकता है तो हम पूछते हैं क्या कोई है। इज समवन देयर। कुछ नहीं था। नथिंग वाज देयर। तुम वहाँ क्यों छुपे हो। व्हाई आर You hidden there? जंगल में एक राजा रहता था। There lived a king in the jungle. उस शहर में एक पार्क था। There was a park in that city. ऐसे बहुत सारे फूल हैं। There are so many such flowers. तुम्हारी बहन के साथ एक बच्चा खड़ा है। There is a child standing with your sister. तो इस तरह से आपने एक आइडिया तो लगा ही लिया होगा कि हम देयर का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो अपनी डेली रूटीन में अगर आप इन सेंटेंसेस को डेली रिपीट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि देयर का यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है। तो आप प्लीज़ इन सेंटेंसेस को 4-5 बार रिपीट करिए, तो इससे आपको एकदम अच्छी तरह से आइडिया लग जाएगा कि आपने कहाँ पे देयर का यूज़ और किस तरह से करना है। तो अभी हम शुरू करेंगे डेली यूज सेंटेंसेस। सिंपल 2-3 वर्ड्स में जो सेंटेंस बनते हैं जो कि हम एकदम फ्लो के साथ बोल सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले है आज बहुत गर्मी है। इट्स वेरी हॉट टुडे। आज बहुत सर्दी है। इट्स वेरी कोल्ड टुडे। गाड़ी से उतर जाओ। गेट ऑफ द कार। गाड़ी में बैठ जाओ। गेट इन द कार। अब गाड़ी के अंदर या बाहर जाने के लिए हम कम इन और आउट ये बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। गाड़ी या बस या कोई भी व्हीकल है, आप उसमें अंदर
जा रहे हैं तो उसके लिए आप गेट इन यूज करेंगे, और अगर वहां से आप बाहर निकल रहे हैं तो उसके लिए आप गेट ऑफ यूज करेंगे। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन। देर मत करो, डोंट डिले, वहीं रुको, स्टॉप देयर। इतना मत शर्माओ, डोंट बी सो शाई, मुझे दिखाओ, शो मी। कोई बात है क्या, एनी प्रॉब्लम, अंदर ही रहना, स्टे इनसाइड। फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। जल्दी करो, डू फास्ट, बस काफी है, दैट्स इनफ, चलो चलें, लेट्स गो। एक बार और, वंस मोर, रहने दो, लेट इट बी। अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। जल्दी जाओ, गो फास्ट। और बताओ, टेल मी मोर। अचानक से, ऑल ऑफ सडन, उसका पीछा करो, फॉलो हिम। समय पूरा हुआ, टाइम इज अप। मुझे यह सब मत बताओ, डोंट टेल मी ऑल दिस। क्या आप सच बोल रहे हो, डू यू रियली मीन इट। उसका गुस्सा जायज है, हिज एंगर इज जस्टिफाइड। उसका मजाक मत बनाओ, डोंट मेक फन ऑफ हिम। किसी को बुरा मत बोलो, डोंट स्पीक इल टू एनीबडी। गुस्सा थूक दो, स्पिट अवे द एंगर। मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माय वे। नजर ना लगे, टच वुड। अपने पैर मत घसीटो, डोंट ड्रैग योर फीट। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो हम अपने डेली रूटीन में गलत तरीके से बोलते हैं। अगर आप इन सेंटेंसेस को रिपीट करके प्रैक्टिस करते हैं देन आई एम श्योर कि आप जल्दी ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं आपसे इस इंग्लिश स्पीकिंग की एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि आपके इंग्लिश लर्निंग लेवल को और बढ़ाएगी। Till then, take care.